दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है बुनियाद। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे विनोद खन्ना, अनिल कपूर, डिंपल कपाड़िया, अमृता सिंह, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर थे सूरज सनीम और इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट। आप बात करें इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में, तो बुनियाद बॉलीवुड फैंस के लिए एक बेहद यूनिक फिल्म होने वाली थी, जिसमें पहली बार विनोद खन्ना और अनिल कपूर स्क्रीन शेयर करने वाले थे। और ये देखना बेहद दिलचस्प होता कि नेवर सीन बिफोर विनोद खन्ना और अनिल कपूर जैसे इक्वली टैलेंटेड एक्टर्स एक दूसरे का सामना किस अप्रोच के साथ करते। और एज अ फैन हमें अगर देखें तो हम सभी शायद इन दोनों को एक साथ एग्रेसिव अप्रोच के साथ देखना पसंद करेंगे। और इस बात में कोई शक नहीं कि ये दोनों एक्टर सिमिलर अप्रोच के होते हुए भी एक दूसरे से बेहद यूनिक और वर्सेटाइल हैं। और मेरे ख्याल से ये पेयर बॉलीवुड का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनने का पोटेंशियल रखता था। और देखा जाए तो ये बात है साल 1988 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट होनी थी। लेकिन प्री प्रोडक्शन यानी स्क्रिप्टिंग के वक्त मेकर्स को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके लिए उन्होंने न्यू राइटर के तौर पे सलीम खान को अप्रोच किया। मगर फिर भी ये फिल्म एग्जीक्यूशन में ही अटकी रही और आगे जाकर फिर कभी बन ही नहीं पाई। और ऐसे मेकर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को बैडली मिस कर दिया। और इस तरह से विनोद खन्ना और अनिल कपूर का ये आइकॉनिक पेयर भी बड़े पर्दे पे एक साथ कभी आ ही नहीं सका। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि विनोद खन्ना और अनिल कपूर की ये बुनियाद मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज़ हो जाती, तो विनोद खन्ना और अनिल कपूर की जोड़ी बड़े पर्दे पे एक साथ कैसी लगती? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।